हमारे रंगीलो राजस्थान की रंग रंगीली दुनिया में आज हम बात करेंगे हस्तकला की। हस्तशिल्प वह कला है जिसमें कलात्मक व आकर्षक वस्तुएं हाथों से बनाई जाती है, यही ही हस्तशिल्प कहलाती है। राजस्थान में हस्तशिल्प का सबसे बड़ा केंद्र बोनाड़ा जोधपुर में है। हस्तशिल्प को बढ़ावा औद्योगिक नीति 1988 के द्वारा दिया गया है। दोस्तों, राजस्थान की हस्तकला को कपड़े पर किए गए कार्य, कास कला, धातु कला और मिट्टी कला में वर्गीकृत किया गया है। कपड़े पर हस्तकला दो तरीके से की जाती है, ब्लॉक्स के द्वारा, दूसरा कपड़े पर चित्रण जैसे फर चित्रण व पिछवाइयां। कास कला में लकड़ी की विभिन्न आकृतियां बनाई जाती है जैसे तोरण, चोपड़ा। धातु कला में वस्तुओं पर सोने चांदी की धातुओं के तारों को यूज करके कलात्मक जड़ाइयां की जाती है, ये मीनाकारी, ताराकसी, थेवा कला कहलाती है। मिट्टी कला में मिट्टी का प्रयोग करके खिलौने, पोर्ट्रेट और तरह तरह की सुंदर आकृतियां बनाई जाती है जैसे टेराकोटा और ब्लू पोर्ट्री। दोस्तों, चीनी मिट्टी की बर्तनों पर नीले व हरे रंगों के प्रयोग से डिजाइनें बनाई जाती है, ये आकर्षक व मोहक होती है। इनको ब्लू पोर्ट्री कहा जाता है, ये राजस्थान की प्रसिद्ध है। राजस्थान में जयपुर की ब्लू पोर्ट्री सुप्रसिद्ध है, इसे GI टैग भी दिया गया है। दोस्तों, ब्लू पोर्ट्री को लाने का श्रेय मिर्जा राजा मान सिंह को दिया जाता है, लेकिन ब्लू पोर्ट्री का विकास महाराजा राम सिंह के काल में हुआ। यह कला मूलतः ईरान पर्शिया की है जो मुगल दरबार होते हुए राजस्थान में आमेर में आई। ब्लू पोर्ट्री के जनक करपाल सिंह शेखावत है जिन्होंने 25 रंगों का प्रयोग करके एक नई पोर्ट्री विकसित करी। इस पोर्ट्री को करपाल पोर्ट्री कहा गया। दोस्तों, हरे, नीले, काले व सफेद रंगों से बनी हुई पोर्ट्री राजस्थान के अलग अलग जिलों की प्रसिद्ध है। जैसे कोटा की ब्लैक पोर्ट्री प्रसिद्ध है, वहीं कागजी पोर्ट्री अलवर की प्रसिद्ध है। दोस्तों, हस्तकला की इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कपड़ों पर किए जाने वाली हस्तकलाओं की। इनमें से है पेचवर्क कला। दोस्तों, पेचवर्क कला वह कला है जिसमें एक बड़े से कपड़ों पर तरह तरह के रंग बिरंगे कपड़े जोड़कर एक आकृति बनाई जाती है और यही पेचवर्क कहलाती है। पेचवर्क शेखावटी का प्रसिद्ध है। वहीं अगर हम चटापट्टी कला की बात करें तो चटापट्टी कला में भी एक कपड़े पर तरह तरह के रंग के कपड़े जोड़कर तैयार किया जाता है, यह चटापट्टी का कार्य कहलाता है। चटापट्टी कला खंडेला, मिनाय, जयपुर की प्रसिद्ध है। और हम मिरर वर्क की बात करें तो यह पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर का सुप्रसिद्ध है। मिरर वर्क में कपड़ों पर छोटे छोटे कांच के जड़ाव किए जाते हैं। हस्तशिल्प कला में आज हम बात करेंगे ब्लॉक प्रिंटिंग या छपाई कला की। ब्लॉक प्रिंटिंग या छपाई कला प्रमुखतया बाड़मेर जिले की प्रसिद्ध है। छपाई कला या ब्लॉक प्रिंटिंग में कपड़ों पर हाथों से लकड़ी के बने हुए ब्लॉक से छपाई की जाती है। इन लकड़ी से बने हुए बॉक्स पर बेलगुटे उकेरे हुए होते हैं और छपाई कला में जो पारंगत कारीगर होते हैं उनको छिपे कहा जाता है। इस कला में बाड़मेर का खत्री परिवार दक्षता रखता है। ब्लॉक प्रिंटिंग के कई प्रमुख केंद्र हैं जहां की ब्लॉक प्रिंटिंग काफी फेमस है, जैसे बालोतरा बाड़मेर, सांगानेर जयपुर, बगरू जयपुर, आकुला चित्तौड़गढ़। सांगनेर जयपुर में नामदेव की छिपे प्रसिद्ध है। कपड़ों पर हाथ से छपाई के प्रिंट अलग अलग प्रकार के होते हैं और उन कपड़ों की अलग अलग प्रिंट का रंगों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। जैसे अजरक प्रिंट की बात करें तो यह बालोतरा बाड़मेर की प्रसिद्ध है और इसमें नीले व लाल रंग का प्रयोग किया गया है। वहीं मलीर प्रिंट की बात करें तो यह भी बाड़मेर की ही प्रसिद्ध है, जिसमें कत्थई व काले रंग का प्रयोग किया गया है। जाजम प्रिंट में प्रमुखतया लाल व हरे रंग का प्रयोग किया जाता है, यह आकुला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। जयपुर में दो प्रकार की प्रिंट स्थित है, जैसे सांगानेर प्रिंट और बगरू प्रिंट। अगर हम सांगानेर प्रिंट की बात करें तो इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, वहीं बगरू प्रिंट में लाल व काले रंग का विशेष प्रयोग किया जाता है। राजस्थान में हम हमारे आसपास माँ व बहनों को ओढ़निया, पोंछे आदि आकर्षक डिजाइन के पहने हुए देखते हैं। ये धागों से बनी हुई होती हैं। कशीदाकारी में धागों से हाथों के द्वारा कपड़ों पर कलात्मक व आकर्षक डिजाइन बनाए जाते हैं, यही कशीदाकारी कला है।
कसीदा कारी कला के प्रमुख केंद्र बाड़मेर, जैसलमेर और जालोर है। मंदेज कला में कपड़ों में अनके दाने बांध करके रंग चढ़ाया जाता है। यह रंग चढ़ाने की तकनीक मंदेज कला कहलाती है। वैसे तो यह कला मूलतः मुल्तान की है, परंतु राजस्थान में मंदेज कला मारवाड़ व सिखावटी की प्रसिद्ध है। दोस्तों, मंदेज कला का उल्लेख हमें ग्रंथों में भी मिलता है। मंदेज कला का सर्वप्रथम उल्लेख बाणभट्ट की हर्ष चरित्र में मिला है। राजस्थान में बंदेज का कार्य करने के लिए जोधपुर के तैयब खान जी को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, तथा यह कार्य प्रमुखतः चढ़वा जाति के लोगों द्वारा की जाती है। मंदेज कला के प्रमुख केंद्र जोधपुर, जयपुर, सेखावटी व सुजानगढ़ चूरू है। आज हम बात करेंगे पौमछे की। दोस्तों, आपने राजस्थानी गीत पीड़ो ओड पौमछो ओडो तो सुना ही होगा। क्या आपको पता है पौमछा क्या है और यह किस अवसर पर ओढ़ा जाता है? आज मैं आपको बता दूं, पौमछा एक जच्चा वस्त्र है। यह पीले रंग का होता है। पौमछा को वंश वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यह दो रंग का होता है जो ननिहाल पक्ष द्वारा लाया जाता है। गुलाबी पौमछा माँ पुत्री के जन्म पर पहनती है, तथा पीला पौमछा पुत्र के जन्म के बाद पहनती है। राजस्थान में जयपुर का पौमछा काफी प्रसिद्ध है। पौमछे का उल्लेख मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित ग्रंथ पद्मावंत में भी मिलता है। हाड़ोती क्षेत्र में चीड़ का पौमछा भी है, पर यह काले रंग की ओढ़नी होती है जिसे विधवा महिलाएं ओढ़ती है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं लहरिया की। आशा करती हूँ इस नाम से तो आप सभी परिचित है, क्योंकि श्रावण मास में जब बारिश का मौसम होता है तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है, और श्रावण मास की तीज को विवाहित महिलाएं लहरदार ओढ़नियां ओढ़कर घेवर व फीनी के साथ झूला झूलती है। यह लहरदार लहरिया जयपुर का काफी प्रसिद्ध है, तथा रंग बिरंगे रंगों से बना हुआ होता है। उनमें से तीन रंग लहरिया, पचरंगा लहरिया और सतरंगा लहरिया है। लहरिया के कई प्रकार हैं, जैसे मोटड़ा। अगर हम मोटड़े की बात करें तो यह लहरदार धारियां एक दूसरे को काटती है। मोटड़ा जोधपुर का प्रसिद्ध है। चुनरी की बात करें तो बूंदों के आधार पर बनी मंदेज की डिजाइन चुनरी कहलाती है। यह जयपुर, जोधपुर, सुजानगढ़ चूरू, मेरता व नागौर की प्रसिद्ध है। अगर लहरिया के अन्य प्रकारों की बात करें तो खत लहरिया, पाटली लहरिया, जालदार लहरिया, पल्लू लहरिया, नगीना लहरिया, फोहनीदार लहरिया, पछलर लहरिया आदि प्रमुख हैं। पत्थरों को तराशकर हाथों से मूर्तियां बनाई जाती हैं। मूर्ति कला का सर्वाधिक कार्य जयपुर में होता है। दोस्तों, मूर्तियां भी विभिन्न रंगों की बनी होती है, जैसे लाल रंग की मूर्तियां अलवर की प्रसिद्ध है, सफेद संगमरमर की मूर्तियां किशनगढ़ अजमेर की प्रसिद्ध है, वही काले रंग के पत्थरों से बनी हुई मूर्तियां तलवाड़ा बांसवाड़ा की प्रसिद्ध है। फड़ चित्रण कपड़े पर की जाने वाली हस्तकला है। फड़ चित्रण में देवी देवताओं के जीवन वृतांत के चित्र हाथों से बनाए जाते हैं। फड़ चित्रण शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है, जिसमें श्री जोशी परिवार सिद्धहस्त है। श्री लाल जोशी फड़ चित्रण के कलाकार हैं। वहीं फड़ चित्रण में भी महिलाओं का योगदान है। श्रीमती पार्वती जोशी प्रथम महिला चितेरी हैं। दोस्तों, लोक देवता देवनारायण जी की सबसे छोटी फड़ है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हस्तकला में पिछवाइयां कला की। पिछवाइयां कला में कपड़े पर बाल गोपाल, कृष्ण नंदलाल जी, यशोदा, ग्वाले, गोपियां आदि के चित्रों को उकेरा जाता है। पिछवाई कला में पीले व हरे रंग की प्रधानता होती है। दोस्तों, पिछवाई कला नाथ द्वारा राज संबंध की प्रसिद्ध है। आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान में हस्तकला में कठपुतलियों की। कठपुतलियाँ लकड़ी से बनी हुई गुड़ियाँ और गुड्डे होते हैं। कठपुतली कला को GI टैग भी दिया गया है। प्राय कठपुतली कला जयपुर, उदयपुर व चित्तौड़गढ़ में की जाती है। कठपुतली कला के प्रमुख कलाकार देवीलाल शाम्बर है। कठपुतलियों के सिंहासन बत्तीसी और विक्रमादित्य की कहानियाँ काफी प्रचलित है। दोस्तों, राजस्थान का गुलाबी नगर जयपुर हस्तकला में, मीनाकारी कला में, कुंदन कला में, हाथी दांत कला में आदि में देश विदेश में अपनी पहचान रखता है। ये मीनाकारी व कुंदन कला मूलतः फारस व ईरान की कलाएं हैं। अगर
कुंदन कला की बात करें तो इसमें सोने के आभूषणों में कीमती पत्थर जड़े जाते हैं, वहीं मीनाकारी कला में मीना जड़े जाते हैं। हाथी दांत व लाख के काम में खिलौने, चूड़ियां व सजावटी सामग्रियां बनाई जाती है। आज हम बात करने जा रहे हैं काटल प्रदेश प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध थेवा कला की। यह धातु से की जाने वाली हस्तकला है। थेवा कला में हरे रंग के शीशे पर सोने की नक्काशी की जाती है, यही थेवा कला होती है। थेवा कला राजस्थान के प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। दोस्तों, थेवा कला में दो प्रक्रियाएं यूज की जाती है, पहली प्रक्रिया थेना व दूसरी प्रक्रिया वादा। इन दोनों प्रक्रियाओं को जोड़कर थेवा कला का विकास हुआ। नाथुराम जी सोनी इस थेवा कला के जनक हैं, वहीं प्रतापगढ़ का सोनी परिवार इस कला में सिद्धस्थ है। दोस्तों, आज हम सूर्य नगरी जोधपुर की प्रसिद्ध कलाओं की बात करेंगे। इनमें है मुरावादी कला। इसमें पीतल के बर्तनों पर नक्काशी करके तरह तरह की आकृतियां उकेरी जाती है। दोस्तों, जोधपुर का बादला भी काफी फेमस है। यह जिंक से बना एक पात्र होता है जिस पर कपड़ा लगा हुआ होता है। इसमें पानी को ठंडा रखा जाता है। लकड़ी के झूले और मोजड़ियां भी जोधपुर की प्रसिद्ध है। राजस्थान की जंगल प्रदेश बीकानेर की प्रसिद्ध हस्तकलाएं। अगर आज हम बीकानेर की बात करें तो यहाँ मथेरन कला, उस्ता कला, आला गीला कला व मटकियां काफी प्रसिद्ध है। उस्ता कला को मुनवती कला भी कहते हैं। उस्ता कला में ऊंट की खाल को मुलायम बनाकर सोने के तारों से कुप्पा कुपिया बनाए जाते हैं। इसके सिद्धस्थ कलाकार उस्ताद कहलाते हैं। अगर मथेरन कला की बात करें तो यह शादी समारोह व मांगलिक कार्यों पर गणेश जी, ईश्वर गणगौर व लोक देवी देवताओं के चित्रों का अंकन दीवार पर किया जाता है। आला गीला कला शेखावटी व बीकानेर की प्रसिद्ध है। दोस्तों, आला गीला कला में चूने की गीली दीवार पर चित्र बनाए जाते हैं। इन सब के अलावा बीकानेर की मटकियां भी काफी प्रसिद्ध हैं और यह अपना अलग ही स्थान रखती है। दोस्तों, टेराकोटा पद्धति का प्रचलन प्राचीन सभ्यताओं से चला आ रहा है। टेराकोटा पद्धति से निर्मित खिलौने व मूर्तियां हड़प्पा संस्कृति का हिस्सा रही है। टेराकोटा पद्धति में छोटी छोटी मूर्तियां व खिलौने मिट्टी से बनाकर आग में पकाए जाते हैं। वर्तमान काल में टेराकोटा मोलेला गांव राजसमंद व बस्सी चित्तौड़ के प्रसिद्ध है। अगर हम खिलौनों की बात करें तो ये मोलेला गांव राजसमंद के प्रसिद्ध है, वही बस्सी चित्तौड़गढ़ में मूर्तियां प्रसिद्ध है। इसके अलावा कागजी टेराकोटा अलवर का काफी प्रसिद्ध है। अगर टेराकोटा के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।